नमस्ते किशन भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का रॉकेट कीटनाशक के बारे में। रॉकेट कीटनाशक कौन कौन सा सब्जी होगा के बारे में आप उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा उसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव करना है, इसमें कंटेंट क्या रहता है, कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं रॉकेट कीटनाशक उपयोग करने के बाद, उसका रिजल्ट कब मिलता है, उसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक एक साथ मिक्स करके उपयोग कर सकते क्या नहीं कर सकते, सब्जियों का खेती बारे में जब फूल आते हैं फूल आने के बाद क्या उपयोग कर सकते हैं रॉकेट कीटनाशक, लगभग ए टू जेड बात करेंगे रॉकेट कीटनाशक के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या होगा, जैसे मेरा चैनल का कोई भी वीडियो डालने के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कृष्ण भाई, आई बात करेंगे रॉकेट कीटनाशक में कंपोजिशन क्या रहता है, अब इसके बारे में बात करें। जैसे इसमें कंपोजिशन रहता है प्रोफेनाफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्म में रहता है, जो एक लिक्विड कीटनाशक होता है जो बेहतरीन काम करता है इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए। जैसे सब्जियों का खेती बारी में कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं रॉकेट कीटनाशक उपयोग करके, अब इसके बारे में बात करें। जैसे एपिड, जेसिड, इसका वजह से फल छेदक, तना छेदक, कीड़ा, माहू, तेला, सुंडी कीटों का आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं रॉकेट कीटनाशक स्प्रे करके। किशन भाई, रॉकेट कीटनाशक जो है प्रोफेनाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो कीटनाशक है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है, लेकिन उसका काम एक होता है, आप कोई भी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। जैसे नागार्जुना कंपनी का भी है परफेक्ट सुपर, इसके अलावा जैसे कोबरा जो कीटनाशक है आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आई बात करें कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारी में रॉकेट कीटनाशक आप उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे बीन का खेती बारी में, तुराई लौकी का खेती बारी में, टमाटर का खेती बारी में, मिर्च का खेती बारी में, बैगन का खेती बारी में, इसके अलावा जैसे कारपास धान का खेती बारी में आप उपयोग कर सकते हैं, कद्दू का खेती बारी में, केरला खीरा का खेती बारी में, प्याज लहसुन का खेती बारी में आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, इसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलते हैं, इंसेक्ट को नियंत्रित करने के लिए उसका काम भी बहुत अच्छा करता है। किशन भाई, जो रॉकेट कीटनाशक है उसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव करना है, अब इसके बारे में बात करें। जैसे उसका डोसेस लगभग अब 100 ml 50 से 60 लीटर पानी में गुलकर स्प्रे करने बेहतरीन काम करते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए। तो प्रोफेनाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आप कोई भी कीटनाशक उपयोग कर सकता है कीटों का नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा उसका रिजल्ट कब मिलता है अभी इसके बारे में बात करें। जैसे स्प्रे करने के बाद रिजल्ट लगभग आपको 7 days के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्या अच्छा काम क्या नहीं किया आपको 7 days के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग आप 15 दिन के बाद आप क्या करना दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं रॉकेट कीटनाशक का सब्जियों का खेती बारी में, उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिलता है। कृष्ण भाई, जब आप धान का खेती बारी करते हैं धान का खेती बारी में क्या समस्या होता है, जैसे तेला, माहू, सुंडी, इसके अलावा जैसे फल छेदक, तना छेदक कीटों का वजह से धान का फसल खराब हो सकता है, टमाटर का फसल में क्या समस्या से फल छेदक कीटों का वजह से फसल खराब हो सकता है, इसके अलावा बैंगन का फसलों में फल छेदक कीटों ज़्यादातर आता है, आप आसानी से रॉकेट जो कीटनाशक है आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, कीड़ा को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन काम करता है। उसका डोसेज तो आप लगभग ऐसी स्प्रे करना है, जैसे 100 ml 50 से 60 liter पानी में कोई भी सब्जियों का खेती बारी में, फलों का खेती बारी में उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। आई बात करें किसान भाई, जैसे आपका सब्जियों का खेती बारी में, फलों का खेती बारी में फूल आने के बाद क्या उपयोग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इसके बारे में आई बात करें। जैसे किसान भाई, फूल आने के बाद क्या करना है रॉकेट जो कीटनाशक है आप उपयोग नहीं करना है, फूल गिर सकता है, इसलिए क्या करना है फूल आने से पहले उपयोग करना है और फल मिलने के बाद आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, लेकिन फूल आने के बाद उपयोग नहीं करना है क्योंकि फूल को जो गिरने का समस्या हो सकता है, इसीलिए आप फल आने के बाद भी उपयोग कर सकते हैं, फूल आने से पहले भी उपयोग कर सकते हैं, इसका इसी टाइम उसका कीटों को नियंत्रित करने के लिए काम भी बहुत अच्छा करता है। आई बात करेंगे रॉकेट जो कीटनाशक है उसका प्राइस के बारे में, उसका कीमत कितना है अभी इसके बारे में बात करें। जैसे 100 ml का प्राइस लगभग आपको 120 rupees से 140 rupees का अंदर आपको मिल जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। इस वीडियो में बात किया था रॉकेट कीटनाशक के बारे में, रॉकेट जो कीटनाशक है कौन फसलों का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सा कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसके डोसेस कितना छिड़काव करना है, इसका रिजल्ट कब मिलता है, इसके बारे में ए टू जेड बात किया था। रॉकेट कीटनाशक के बारे में नहीं तो प्रोफेनाफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो कीटनाशक है आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।